जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। आइए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम जानते हैं कि इस मंदी का कारण क्या है और यह मंदी कब तक बनी रहने की संभावना है। दोस्तों, वर्तमान में यदि गोचर के ग्रहों का अध्ययन किया जाए तो सौर मंडल के सबसे बड़े दो ग्रह बृहस्पति और शनि इस समय काल पुरुष की आठवीं और नवम राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जहां आठवीं राशि वृश्चिक को मृत्यु का भाव कहा जाता है, वहीं नवम राशि धनु को भाग्य का भाव भी कहा जाता है। वर्तमान में बृहस्पति ग्रह आठवीं राशि वृश्चिक में भ्रमण कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व दिनांक 10 सितंबर 2019 को बृहस्पति ग्रह मार्गी हुआ था। बृहस्पति को धनदायक ग्रह माना जाता है। जब तक बृहस्पति देव आठवीं राशि वृश्चिक में भ्रमण करेंगे, लगभग 4 नवंबर 2019 तक, तब तक व्यापार आदि में बहुत कम उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन मंदी के मुख्य कारण की विवेचना करें तो हम देखते हैं कि जब से शनि ग्रह धनु राशि में वक्री हुए हैं, तब से कामकाज और व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। इस संबंध में ज्योतिष जगत द्वारा पूर्व में एक वीडियो भी बनाया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने बताया था कि शनि के वक्री होने पर क्या क्या गंभीर परिणाम होंगे, जैसे बाजार में रुपयों का आगमन रुक जाएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारी कम होने लगेगी, प्रॉपर्टी से जुड़े काम भी थम से जाएंगे, सेंसेक्स में गिरावट दर्ज होगी, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति कमज़ोर होगी, डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग, छोटे मोटे व्यापारी आदि को आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। और यह सब कार्य हुए भी दोस्तों, चूंकि शनिदेव भारत की कुंडली के भाग्येश हैं, अतः शनि के वक्री होने पर भारत में धन संबंधी समस्याएं हो रही है। शनि को मंद गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, अतः इस आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण शनिदेव का वक्री होना माना जाता है। अब शनिदेव दिनांक 20 सितंबर के बाद पुनः मार्गीय हो जाएंगे, जिससे बाजार में धन का निवेश पुनः प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे व्यापार और नौकरी के हालत में सुधार होने लगेगा। शनिदेव के मार्गीय होने पर क्या क्या परिवर्तन होंगे, इस संबंध में एक वीडियो इसी चैनल पर पोस्ट किया जा चुका है। इसके बाद दिनांक 4 नवंबर के बाद बृहस्पति देव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और राजयोग का निर्माण करेंगे। इस संबंध में भी भविष्य में ज्योतिष जगत द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर वर्तमान में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण शनिदेव का धनु राशि में वक्री होना है। शनिदेव के मार्गी होते ही सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलने लगेगा, तब तक धैर्य बनाए रखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। अगले अंक में आपको ज्योतिष से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।